हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू बायोलॉजी बाय नेहा। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट सम इम्पोर्टेंट टर्म्स टू डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट के मॉर्फोलॉजी को डिस्क्राइब करने के लिए जो जो टर्म यूज होते हैं उन इम्पॉर्टेंट टर्म्स को आज की वीडियो में हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो इम्पॉर्टेंट टर्म्स के ये पार्ट वन होगा, पार्ट वन वीडियो का होगा, पार्ट टू भी आएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में, जितना हमसे हो पाएगा हम इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैंने ये पूरा कंप्लीट फ्लावर का स्ट्रक्चर लगाया हुआ है जिसको हम आगे समझेंगे। ये यहाँ पे मैंने ये स्ट्रक्चर लगाया हुआ है कि जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल होता है या फिर यूनिसेक्सुअल होता है, वो देखेंगे हम। फिर यहाँ पे हमने जो फोटोग्राफ लगाई हुई है उसमें हमने देख हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि जो ओवरी की जो पोजिशन होती है उसके अकॉर्डिंग फ्लावर हाइपोगाइनस होता है, पेरीगाइनस होता है, इपीगाइनस होता है, वो सब देखेंगे। और जो फ्लावर होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है या जाइगोमॉर्फिक होता है, उसमें सिमेट्री कैसे होती है, ये इतने टॉपिक आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग हम करते हैं वो हम करेंगे इनफ्लोरोसेंस से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस क्या होता है? अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का ऑन दी फ्लोरल एक्सिस, उसे हम क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस। फ्लोरल एक्सिस होगी, ये फ्लोरल एक्सिस है। इस फ्लोरल एक्सिस में फ्लावर कैसे अरेंज्ड हैं उनको हम बोलते हैं, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। अब फ्लोरल फ्लावर का जो अरेंजमेंट है फ्लोरल एक्सिस में, उसके अकॉर्डिंग मेजरली दो टाइप के इनफ्लोरेसेंस डिवाइडेड हैं। दो टाइप हैं इनफ्लोरेसेंस के मेजरली, फिर इनके सब टाइप होते हैं रेसिमोस के, साइमोस के, इनके अलग अलग सब टाइप होंगे, बट मेजरली रेसिमोस और साइमोस टाइप के इनफ्लोरेसेंस होते हैं। अब हम देखते हैं कि रेसिमोस क्या होता है। रेसिमोस में क्या होगा, जो फ्लावर की जो मेन एक्सिस होगी वो कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहेगी, ठीक है। ये अगर आप ये वाला डायग्राम देखें, यहाँ पे ये रेसिमोस का है, ये साइमोस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये वाला साइमोस का इन्फ्लोरेसेंस का स्ट्रक्चर है और ये वाला रेसिमोस का स्ट्रक्चर है, आप डायग्राम है आप देखें तो। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेन फ्लोरल एक्सिस है ये मेन फ्लोरल एक्सिस क्या करेगी, कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहेगी और जो फ्लावर होंगे वो लेटरली ऐसे डेवलप होंगे। ये आप देख रहे हैं, ये फ्लावर का लेटरल डेवलपमेंट हो रखा है, ये फ्लावर लेटरली डेवलप हो रहा है। तो मेन एक्सिस क्या होगी, कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहेगी, ठीक है। इस तरीके का अगर इन्फ्लोरेसेंस होता है तो उसको हम रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मेन एक्सिस कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है और फ्लावर क्या है, लेटरल साइड पे डेवलप हो रहे हैं, ठीक। और रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है, फिर फ्लावर जो डेवलप होते हैं वो किस पैटर्न में डेवलप होते हैं, एक्रोपेटल सक्सेशन, एक्रोपेटल में डेवलप होता है। एक्रोपेटल का मतलब क्या हो गया, जो ओल्ड फ्लावर होगा वो नीचे होगा और जो न्यू फ्लावर होगा या यंगेस्ट फ्लावर होगा वो ऊपर होगा, ठीक है। ये यहाँ पे ये फ्लोरल एक्सिस है, तो यहाँ पे पहले ये फ्लोरल एक्सिस धीरे धीरे बढ़ी तो यहाँ पे एक फ्लावर का डेवलपमेंट हो गया, फिर ये एक्सिस थोड़ी और बढ़ी यहाँ पे एक और फ्लावर का डेवलपमेंट हो गया, फिर ये बढ़ी एक और का हुआ, फिर ये बढ़ी एक और का हुआ, फिर ये बढ़ी एक और का हुआ। तो यानी कि जो ये वाला फ्लावर था ये तो सबसे ओल्डेस्ट था, ये सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर था, और ये वाला फ्लावर क्या था, सबसे यंगेस्ट था या फिर सबसे न्यूएस्ट फ्लावर था। तो इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, एक्रोपेटल सक्सेशन या फिर एक्रोपेटल पैटर्न, जहाँ पे यंगेस्ट फ्लावर या फिर न्यूएस्ट फ्लावर सबसे ऊपर होगा और नीचे सबसे क्या होगा, ओल्डेस्ट होगा, तो उसको हम बोलते हैं एक्रोपेटल। फिर अगर हम साइमोस में देखें तो साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, जो मेन एक्सिस होती है वो टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर में, यहाँ पे जो मेन एक्सिस होगी उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और वहां पे क्या हो जाएगा, फ्लावर आ जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। और साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में जो मेन फ्लावर होगा वहां मेन एक्सिस होगी वहां पे वो टर्मिनेट हो जाती है, किसमें, फ्लावर में टर्मिनेट हो जाती है, इसीलिए उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, लिमिट हो जाती है। अब यहाँ पे अगर फ्लावर का डेवलपमेंट हो गया तो ये तो प्लांट, ये जो शूट है ऊपर को नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड हो जाती है। और यहाँ पे जो फ्लावर का डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा, बेसिपेटल होगा, कैसा होगा, बेसिपेटल। बेसिपेटल में मतलब जो ओल्डेस्ट फ्लावर होगा वो ऊपर होगा और जो न्यूएस्ट फ्लावर होगा वो नीचे होगा,
न्यूएस्ट या फिर हम यंगेस्ट भी बोल सकते हैं। तो इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, बेसिपिटल ऑर्डर या फिर बेसिपिटल पैटर्न या फिर बेसिपिटल सक्सेशन, कुछ भी बोलो ना। आपको बस ये क्लियर होना चाहिए कि बेसिपिटल का मतलब क्या है, जो ओल्डेस्ट है वो टॉप में होगा, न्यूएस्ट बेस में होगा, और एक्रोपिटल का मतलब ओल्डेस्ट बेस में होगा, यंगेस्ट या फिर न्यूएस्ट जो होगा वो टॉप में होगा। ठीक है, अब इनफ्लोरेसेंस में क्या देखते हैं, फ्लावर का अरेंजमेंट देखते हैं। तो फ्लावर क्या होता है वो देख लेते हैं हम। फ्लावर क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है इन एंजियोस्पर्म। हमें एंजियोस्पर्म में ही फ्लावर देखने को मिलते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, रिप्रोडक्टिव यूनिट यानी कि फ्लावर के हेल्प से वहां पे रिप्रोडक्शन होगा। अब अगर हम देखें व्हाट इज थैलेमस, तो थैलेमस क्या होता है, ठीक है, थैलेमस अगर हम देखें, थैलेमस और रिसेप्टिकल, थैलेमस भी इसको बोल सकते हैं हम या फिर रिसेप्टिकल भी बोल सकते हैं। ये क्या है, एक स्टॉक है और पेडिकल है, स्टॉक या फिर एक पेडिकल स्ट्रक्चर है, और स्वेलन होगा, कैसा होगा, स्वेलन एंड होगा, जिसके चारों ओर फिर क्या होंगे, रॉल में यानी कि एक रिंग में अरेंजमेंट होगा, कैलेक्स का, कोरोला का, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, इन सब का क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। जो थैलेमस होगा वो क्या है, एक स्टॉक स्ट्रक्चर है, स्टॉक में होगा, थोड़ा सा क्या होगा, स्वेलन होगा। ठीक है, इस तरीके से ये रिसेप्टिकल भी बोल सकते हैं हम इसको, या फिर हम थैलेमस भी बोल सकते हैं, हम स्टॉक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, हम स्वेलन स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। फिर जिसके ऊपर या जिसके चारों रॉल में, रिंग में यहाँ पे किसका अरेंजमेंट होगा, पेटल्स का अरेंजमेंट होगा, सेपल्स का अरेंजमेंट होगा, और एंड्रोशियम गायनोशियम का अरेंजमेंट होगा। अगर यहाँ पे देखें हम, तो थैलेमस ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, थैलेमस है, ये क्या है, स्टॉक्ड स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे क्या है, थोड़ा स्वेलन है, और फिर इसके चारों रिंग में कौन है अरेंज है, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये सब अरेंज है। ठीक है, जो कैलेक्स और कोरोला होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, और जो एंड्रोशियम गाइनोशियम होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है आपने, एसेसरी ऑर्गन क्या होता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है। रिप्रोडक्शन किन के थ्रू टेक प्लेस करेगा, एंड्रोशियम गाइनोशियम के थ्रू टेक प्लेस करेगा, तो इनको हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल दिया। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे, ये जो फ्लावर का स्ट्रक्चर दिखाया है आपको, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे आपने देखना है कि पेटल्स क्या होंगे, हमेशा कलर्ड पार्ट होगा। ठीक है, पेटल यानी कि इनको हम कोरोला भी बोल सकते हैं, पेटल यानी कि कोरोला, और ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है ये क्या है, कैलिक्स यानी कि सेपल्स भी इनको हम बोल सकते हैं। ठीक है, और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी कि गाइनोशियम का पार्ट है। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और फिलामेंट और एंथर किसका पार्ट हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बनाए स्ट्रक्चर, तो ये अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाए, तो इस तरीके से ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया हमारा लॉन्ग स्टॉक्ड पार्ट, और इसके नीचे यहाँ पे क्या होगी, ओवरी, तो ये क्या हो गया हमारा स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल जो लॉन्ग स्टॉक्ड पार्ट है, और ये क्या होगी, ओवरी हो गई, और ओवरी के अंदर किसका डेवलपमेंट होगा, ऐसा करके यहाँ पे ओव्यूल्स का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और उसी इसी के कंपेयर में अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखें, मेल मींस एंथर और फिलामेंट, तो ये क्या होगा, इस तरीके से ये क्या होंगे, एंथर लोब्स होंगे, और यहाँ पे से क्या होगा, ये स्टॉक्ड पार्ट होगा फिलामेंट, ये क्या हो गया हमारा एंथर, एंथर लोब्स हो गए, और ये क्या हो गया हमारा स्टॉक्ड पार्ट वाला फिलामेंट। ठीक है, ये मिलके हमारा क्या बनाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाते हैं। अब जो फ्लावर है वो क्या हो सकता है, बायसेक्सुअल भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। बाय मींस टू, सेक्सुअल मींस सेक्स, दोनों सेक्स यानी कि मेल सेक्स और फीमेल सेक्स दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सेम फ्लावर में अगर प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम बोल देते हैं बायसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल, यूनि मींस वन, सेक्सुअल मीन्स सेक्स, दोनों में से सिर्फ एक टाइम पे एक ही सेक्स ऑर्गन या फिर एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एट अ टाइम प्रेजेंट रहेगा फ्लावर में, तो उसको हम बोल देते हैं यूनिसेक्सुअल। उसको हम क्या बोल देते हैं, यूनिसेक्सुअल, या तो एक टाइम पे स्टेमेन ही प्रेजेंट रहेंगे, एंथर और फिलामेंट दोनों मिलके क्या, उनको क्या बोल देते हैं हम, स्टेमेन बोल देते हैं। ठीक है, अगर स्टेमेन आएगा तो कंफ्यूज मत होना, एंथर और फिलामेंट दोनों अगर मिल जाते हैं तो उसको हम स्टेमेन बोल देते हैं, ऐसे लिख देते हैं हम, एंथर प्लस फिलामेंट को हम क्या बोल देते हैं, स्टेमिन। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही है ये स्टेमिन। फिर
या तो एक टाइम पे स्टेमेन प्रेजेंट होंगे या फिर एक टाइम पे कार्पल्स प्रेजेंट होंगे। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, इन सबको मिला के हमने क्या बोल दिया, कार्पल। समझ गए, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर हम देखें ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, ये क्या हो गया हमारा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये कार्पल हो गया और ये एंथर फिलामेंट है, ये क्या हो गया, स्टेमन हो गया। तो दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तो इसको हमने बोल दिया बाइसेक्सुअल। क्या बोल दिया इसको हमने, बाइसेक्सुअल। पिस्टिलेट और स्टेमिनेट फ्लावर, स्टेमिनेट मतलब यहाँ पे सिर्फ स्टेमिन प्रेजेंट है, आपको यहाँ पे कोई कार्पल या पिस्टल नहीं दिख रही है, तो यानी कि यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं दिख रहा है, तो यानी कि ये कौन सा फ्लावर है, मेल फ्लावर, मेल पार्ट है ये, ठीक है। दिस इज द मेल फ्लावर, जहाँ पे हमें सिर्फ स्टेमिन स्टेमिन दिख रहे हैं, और स्टेमिनेट फ्लावर भी बोल सकते हैं मेल फ्लावर के बदले, जहाँ पे आपको सिर्फ कार्पल या पिस्टल ही पिस्टल दिख रहा है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी फीमेल पार्ट दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, फीमेल फ्लावर हो गया। फीमेल फ्लावर बोलो या फिर पिस्टिलेट फ्लावर बोलो, ठीक है, क्लियर हो गया टर्म। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, कार्पल क्या होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मिलके कार्पल बनाते हैं, या फिर पिस्टल, कार्पल के बदले हम यहाँ पे पिस्टल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और थैलेमस क्या है, स्टेमिन क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, ओके। अब हम आते हैं एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में, ये क्या है, सिमेट्री है, दिस इज दी सिमेट्री। फ्लावर की सिमेट्री कैसे है उसको हम बोलते हैं, उस फ्लावर की जब हम सिमेट्री पढ़ते हैं तो वो दो तरीके की होती है, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। अब एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक को हम रेडियली सिमेट्री भी बोलते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर भी बोलते हैं, आई थिंक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होगा, अगर हम कोई फ्लावर लें तो उस फ्लावर को हम किसी भी हाफ में अगर डिवाइड, किसी भी प्लेन से अगर हम डिवाइड करते हैं कितने भी हाफ में, तो वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर को अगर हम ऐसे कट करते हैं तो ये क्या रहेगा, इस साइड और इस साइड, इस साइड और इस साइड क्या रहेंगे, इनके नंबर सेम रहेंगे, यानी कि यहाँ पे हमें दो पेटल दिख रहे हैं, यहाँ दो दिख रहे हैं, यहाँ पे एक आधा, यहाँ पे एक आधा, तो ये एक तरीके का हो गया, ठीक है। अगर हम इस फ्लावर को ऐसे कट करते हैं तो भी हमारे पास क्या है, ये और ये दो पेटल दिख रहे हैं, यहाँ पे भी ये और ये दो पेटल दिख रहे हैं, यहाँ पे एक आधा, यहाँ पे एक आधा, यहाँ पे भी एक आधा और एक आधा, तो यहाँ भी फ्लावर सेम मिल रहा है हमें, और इस प्लेन में डिवाइड करते हैं तो भी हमें फ्लावर सेम मिल रहा है, यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक वो फ्लावर की सिमेट्री है जिसको हम किसी भी प्लेन में डिवाइड करें वो क्या रहेगा, सेम रहेगी, उसके हाफ जो होंगे सेम रहेंगे, यानी कि अगर हम उसको इस प्लेन में डिवाइड करते हैं तभी भी हमें सेम फ्लावर मिलेगा, इस प्लेन में करें, इस प्लेन में करें, या फिर इस प्लेन में करें, ठीक है। उसी के अपोजिट अगर हम जाइगोमॉर्फिक फ्लावर देखें तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में क्या होगा, जो ये फ्लावर होगा वो सिर्फ एक ही प्लेन में डिवाइड होगा तो इक्वल नंबर में, इक्वल हाफ्स उसमें दिखेंगे, दो सिमिलर हाफ्स दिखेंगे, और किसी और प्लेन में अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल लें यहाँ पे, तो अगर हम इसको इस हाफ में डिवाइड करते हैं, इस फ्लावर को हमने इस हाफ में डिवाइड किया है, इस प्लेन में अगर हमने कट किया है तो ही हमें इसके दो इक्वल हाफ्स दिखाई देंगे, ये और ये। अगर हम इसको इस तरीके से कट करते हैं इस प्लेन में, तो ये और ये वाला हाफ और ये वाला हाफ इक्वल नहीं दिखेगा, ऊपर वाले फ्लावर डायग्राम से छोड़ के हम नीचे वाले में अगर देखें तो। एक्टिनोमॉर्फिक, ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है तो इसको हमने इस प्लेन में कट किया तो भी हमें यहाँ पे ऐसा फ्लावर दिख रहा है और यहाँ पे ये तीनों ऐसे दिख रहे हैं। अगर हम इसको इस प्लेन में कट करते हैं तो भी हमें फ्लावर इक्वल दिखेगा, ये इस प्लेन में कट करते हैं तो भी हमें फ्लावर की जो हाफ होंगे वो इक्वल दिखेंगे। बट अगर हम जाइगोमॉर्फिक के केस में देखें तो अगर हमने फ्लावर को ऐसे कट किया है तो ही हमें यहाँ पे ये इक्वल और ये वाला पार्ट इक्वल दिख रहा है। अगर हम इसको ऐसे कट करते हैं तो हमें ये पार्ट, ये इतना पार्ट और इतना पार्ट इक्वल नहीं मिलेगा। अगर इस हाफ में भी कट करते तो भी हमें इक्वल नहीं मिलेगा, तो उसको हम बोल देते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। और ए सिमेट्री, यानी कि कोई फ्लावर में सिमेट्री ही नहीं है, हम उसको ना इस प्लेन में कट सकते हैं, ना इस प्लेन में कट कर सकते हैं, ना इसमें, ना इसमें, किसी भी अगर प्लेन में हम कट करें तो हमें फ्लावर के जो इक्वल हाफ्स होते हैं वो दिख ही नहीं रहे, ठीक है। तो आपको ये क्लियर करना है एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक क्या होता है, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक का साइन होता है ऐसे, अभी हम देखेंगे जब हम फ्लोरल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और जाइगोमॉर्फिक का साइन हम ऐसे बनाते हैं, ठीक।
एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है, जाइगोमॉर्फिक का हो गया पी बीम, जो फ्लावर डिवाइड सिर्फ एक ही हाफ में, अगर हम एक ही प्लेन में उसको कट करें तो ही वो इक्वल सिमेट्री दिखाएगा, उसको जाइगोमॉर्फिक बोल देंगे। और एक्टिनोमॉर्फिक में जो किसी भी प्लेन में अगर उसको कट करें वो सिमेट्री दिखाएगा, वो एक्टिनोमॉर्फिक होगी। धतूरा, चिली, मस्टर्ड, ये क्या है, सब एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। अब जो फ्लावर होते हैं वो ट्राइमेरस भी हो सकते हैं, टेट्रामेरस भी हो सकते हैं, पेंटामेरस भी हो सकते हैं, व्हेन द फ्लोरल अपेंडिजेस आर मल्टीपल ऑफ 3, 4, 5। यानी कि अगर फ्लावर में पेटल जो हैं, जो फ्लोरल अपेंडिजेस हैं वो 3 है तो हम उसको बोलेंगे ट्राइमेरस। टेट्रामेरस यानी कि जब 4 है, और पेंटामेरस यानी कि 5 है। ठीक है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। अब ब्रैक्टीएट, एक ब्रैक्ट में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ब्रैक्ट क्या होता है, ब्रैक्टीएट फ्लावर क्या होता है। ब्रैक्ट क्या होता है, सिंपली रिड्यूस्ड लीफ है। ब्रैक्ट क्या है, सिंपली रिड्यूस्ड लीफ है जो हमें किसी भी फ्लावर का जो पेडिकल होता है उसके बेस में दिखेगी। पेडिकल, ये पेडिकल यानी कि जो फ्लावर को बियर करके रखता है वो पार्ट, ये स्ट्रक्चर है, यानी कि ये फ्लोर, ये एक एक्सेस है मान लो, और यहाँ पे क्या है, ये फ्लावर है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेडिकल। पेडिकल और पेडंकल में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जो फ्लावर को बियर करके रखता है उसको पेडिकल बोलते हैं, और जो फ्रूट को पकड़ के रखता है, मान लो यहाँ पे ये फ्रूट हो गया, ये एप्पल हो गया, ठीक है, अच्छे से नहीं बनाया ऐसे ही देख लो, तो ये जो पार्ट होगा ये, इसको हम बोलेंगे पेडंकल। ठीक है, पेडंकल और पेडिस्कल में कंफ्यूज मत होना। तो पेडिकल के वहां पे जो एक रिड्यूस लीफ लाइक अगर हमें स्ट्रक्चर दिखता है यहाँ पे ऐसे करके, तो उसको हम बोलते हैं ब्रैक्ट्स। ठीक है, ये अगर हम देखें यहाँ पे, ये वाला स्ट्रक्चर देखें, ये क्या है, ब्रैक्ट्स हैं। ये दीज ऑल आर ब्रैक्ट्स, ये फ्लावर का डेवलपमेंट हो रहा है। इसके यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, ब्रैक्ट देखने को मिल रहे हैं, रिड्यूस्ड लीव देखने को मिल रही है। कैलेक्स आपको अलग से दिखेगा, ग्रीन कलर का बड़ा बड़ा पार्ट आपको कैलेक्स दिखेगा, कैलेक्स के नीचे से भी छोटे छोटे पार्ट ऐसे करके आपको दिखेंगे, तो उसको हम बोल देते हैं ब्रैक्ट। जैसा आपने हिबिस्कस का फ्लावर देखा होगा, तो उसमें हमें ऐसे करके यहाँ पे हमें, ये तो कैलेक्स वाला पार्ट होता है, यहाँ पे हमें छोटे छोटे से ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्रैक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। और फिर इसके ऊपर से यहाँ पे क्या, ये क्या होंगे, कैलेक्स होंगे, ऐसे करके ये कैलेक्स होगा, और फिर यहाँ पे से किनका, किसका डेवलपमेंट होगा, फ्लावर का डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे ऐसे करके पेटल आएंगे फिर ये। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये क्या हो गए हमारे ब्रैक्ट्स, ब्रैक्टीएट फ्लावर। जिस फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट होंगे उस फ्लावर को हम क्या बोल देते हैं, ब्रैक्टीएट फ्लावर। और जहां पे ब्रैक्ट, जिस फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं होंगे उसको हम बोल देते हैं ई ब्रैक्टीएट फ्लावर। ठीक है, सिंपल सा। अब हम देखते हैं जो ओवरी की जो पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग फ्लावर को हम हाइपोगाइनस फ्लावर बोलते हैं, इपीगाइनस या पेरीगाइनस बोलते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ कैलेक्स, कैलेक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट ऑफ दी ओवरी ऑन थैलेमस द फ्लावर आर डिस्क्राइब्ड एज। ओवरी की जो पोजिशन होती है किसके रिस्पेक्ट में, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम के रिस्पेक्ट में, वो डिस्क्राइब करता है कि फ्लावर कैसा होगा, हाइपोगाइनस होगा, पेरिगाइनस होगा या इपिगाइनस होगा। हाइपोगाइनस होगा तो मतलब जो गाइनोशियम है वो क्या करती है, ऑक्यूपाइज द हाइएस्ट पोजिशन वाइल द अदर पार्ट आर सिचुएटेड बिलो इट। यानी कि ओवरी सबसे टॉप में होगी, उसके नीचे से सारे पार्ट का डेवलपमेंट होगा, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोगाइनस। अगर हम यहाँ पे भी डायग्राम देखें तो ओवरी क्या है, ये ओवरी क्या है, टॉप पे सिचुएटेड है, उसके नीचे से यहां से स्टेमिन का डेवलपमेंट हो रहा है, यहां से कैलिक्स का डेवलपमेंट हो रहा है, और यहां से कोरोला का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये जो ओवरी है ये टॉप पे सिचुएटेड है, इसके नीचे से क्या हो रहा है, स्टेमिन का डेवलपमेंट हो रहा है, इसके नीचे से ही कैलिक्स का डेवलपमेंट हो रहा है, और इसी के नीचे से ही ये कोरोला का डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपोगाइनस ओवरी। ठीक है, इसके एग्जांपल अगर हम देखें कहाँ देखने को मिलता है, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल के केस में। पेरिगाइनस में क्या होगा, इफ गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। पेरी मीन्स सेम, पेरिगाइनस में क्या होगा, जो ओवरी का, ओवरी जो सिचुएटेड होगी और जो फ्लावर के जो पार्ट निकलेंगे वो ऑलमोस्ट सेम
से ही निकलेंगे, ठीक है, इक्वल बराबरी में होंगे, ठीक, उसको हम बोलते हैं क्या, पेरिगाइनस। यहाँ पे अगर हम देखें ये ओवरी हो गई, ये सिचुएटेड है यहाँ पे, इसी के जस्ट बगल से, इसी के बराबरी से यहाँ पे क्या निकल रहे हैं, स्टेमिन निकल रहे हैं, इसी के बराबरी से स्टेमिन निकल रहे हैं और इसी के बराबरी से कैलेक्स निकल रहे हैं, इसी के बराबरी से कोरोला निकल रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं पेरिगाइनस। इपिगाइनस के केस में क्या होता है, इपिगाइनस आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रो अपवर्ड इंक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज विद द अदर हैंड ऑफ द फ्लावर अराइज अबव इट। यहाँ पे क्या होगा, ओवरी नीचे आ जाएगी और सारे फ्लावर के जो पार्ट होंगे वो सब उसके ऊपर से अराइज होंगे, तो उसको हमने बोल दिया इपिगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी ऊपर बैठी हुई है, बाकी सारे पार्ट नीचे से निकल रहे हैं, तो इस केस में हम बोल देते हैं ओवरी क्या है, सुपीरियर है। कैसे बोल देते हैं, सुपीरियर ओवरी बोलते हैं, ठीक है। और इपिगाइनस के केस में ओवरी नीचे बैठ गई है, बाकी सारे जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर से डेवलप हो रहे हैं, तो इस केस में इसको हम क्या बोल देते हैं, इंफीरियर ओवरी। क्या बोल देते हैं हम इसमें, ओवरी इज इंफीरियर, ओवरी कैसी है, इंफीरियर है। पेरिगाइनस में सब बराबरी पे हैं, तो यहाँ पे हम बोलते हैं हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर, ठीक है। ओवरी क्या है, हाफ सुपीरियर है और हाफ क्या है, इंफीरियर है। क्लियर, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हाइपोगाइनस फ्लावर में हमें सुपीरियर ओवरी देखने को मिलेगी, इपिगाइनस फ्लावर में हमें इंफीरियर ओवरी देखने को मिलेगी, पेरिगाइनस फ्लावर में हमें हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर ओवरी देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलती है, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है। बस इनकी एग्जाम्पल याद रखना, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आई होप आपका जो कंफ्यूजन है अब क्लियर हो गया होगा। सो ये तो था हमारा क्या, पार्ट वन, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल टर्म्स का पार्ट वन था। आई होप आप लोगों को बहुत से टर्म जितने मैंने समझाए वो डेफिनेटली क्लियर हुए होंगे। तो मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।